हेलो एवरीवन, वेलकम टू हु आर यू एनएस। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आईएमडीबी के अनुसार दुनिया की 10 सबसे शानदार मूवीज के बारे में। सो चलिए देखते हैं फ्रॉम नंबर 10। नंबर 10 पर है द मैट्रिक्स, जो कि एक साईफाई एक्शन फिल्म है कियानू रीव्स की, और आईएमडीबी ने इसे 8.7 की रेटिंग दी है। प्लॉट इसका होता है बेस्ड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया पे इस कदर कब्जा कर लिया होता है कि इंसानों को एक मैट्रिक्स में कैद कर रखा है, जो कि प्रोग्राम्ड है बिल्कुल असली दुनिया की तरह। बस कुछ हैं जिन्हें ये पता है, बाकी मस्ती में जी रहे हैं। अब तक 3 पार्ट रिलीज हो चुकी है और 4th पार्ट 2022 में आने वाली है। फाइट क्लब रिलीज हुई है 1999 में, जिसमें लीड रोल में है ब्रैड पिट और एडवर्ड नॉर्टन। आईएमडीबी ने इस फिल्म को 8.8 की रेटिंग दी है। फाइट क्लब बेस्ड है 1996 के नोवेल के, जिसका भी सेम नाम था यार, फाइट क्लब। अगर प्लॉट की बात की जाए तो एडवर्ड नॉर्टन प्ले करते हैं एक अननेम्ड नैरेटर, जो कि फॉर्म करते हैं एक फाइट क्लब एक सोप सेल्समैन के साथ, जिनका नाम रहता है टाइलर डर्डन, जिनका रोल निभाया है ब्रैड पिट ने। सो बढ़ते हैं नंबर 8 के एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की तरफ। सर क्रिस्टोफर नॉलन की दिमाग उड़ा देने वाली फिल्मों में से एक इंसेप्शन, जो कि एक साईफाई एडवेंचरस एक्शन फिल्म है 2010 की, और आईएमडीबी ने इसे 8.8 की रेटिंग दी है। मूवी में ड्रीम शेयरिंग टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है, जिसके मदद से किसी के भी ड्रीम के अंदर जाया जा सकता है। लियोनार्डो डिकैप्रियो के अलावा और भी कई शानदार एक्टर्स हैं इस मूवी में। कुछ मत देखना, मगर इस मूवी को ज़रूर देखना। 7वें नंबर पर है पल्प फिक्शन, जो कि एक क्राइम ड्रामा बेस्ड फिल्म है, जिसे आईएमडीबी ने 8.9 की रेटिंग दी है। मूवी 1994 में रिलीज हुई थी, जिसका प्लॉट हिटमैन, बॉक्सर, गैंगस्टर और काफ़ी वायलेंस पे बेस्ड है। सिंडलर्स लिस्ट 1993 में आई, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की प्लॉट बेस्ड मूवी है, जिसमें नाजीज और ज्यूइश को दिखाया गया है, और आईएमडीबी ने इसे 8.9 की रेटिंग दी है। 12 एंग्री मैन एक काफ़ी पुरानी क्लासिकल क्राइम बेस्ड मूवी है, जो 1957 में आई थी। सच बताऊं तो मैंने खुद नहीं देखा है, आप जाके इसे देख सकते हैं। बहरहाल आईएमडीबी वालों ने इसे 8.9 की रेटिंग दी है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग द रिटर्न ऑफ द किंग, ये असल में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की दूसरी पार्ट है। पहली द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग है, और तीसरा और आखिरी द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द टू टावर्स है। काफ़ी एपिक एडवेंचर फिल्म है, जिसका प्लॉट बताना काफ़ी मुश्किल है, आप इसे खुद ही देखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। नंबर 3 द डार्क नाइट, जिसके जोकर को अभी तक याद किया जाता है। मैं बता दूं, द डार्क नाइट बैटमैन ट्रिलॉजी का दूसरा पार्ट है। प्लॉट बेस्ड है बैटमैन पर, जिनका रोल निभाया है क्रिस्टियन बेल ने, और जोकर जिनका रोल निभाया है द लेजेंड हीथ लेजर ने। ये मूवी भी क्रिस्टोफर नॉलन ने ही डायरेक्ट की है। बैटमैन ट्रिलॉजी नहीं देखा मतलब जिंदगी में कुछ नहीं देखा। बहरहाल आईएमडीबी ने इसे 9 की रेटिंग दी है। द गॉडफादर ट्रिलॉजी एक क्लासिकल क्रिमिनल ड्रामा बेस्ड मूवीज है, जिसमें 3 पुश्तों के क्राइम डायनेस्टी को दिखाया गया है। मूवी 1970s के दौरान की है और आईएमडीबी में 9.2 की रेटिंग मिली है। द शॉशैंक रिडेम्पशन 9.3 की रेटिंग्स के साथ है आईएमडीबी के लिस्ट में नंबर 1 पर। प्लॉट पूरा जेल में बेस्ड है, जिसमें हमें जेल के ज़िंदगी को देखने को मिलता है, और किस तरह से एक प्रिजनर उस जेल में से, जिसमें से भागना नामुमकिन है, उससे कैसे फरार होता है। काफ़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है इन चीज़ों को। सो बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप ज़रूर जा करके इसे देखें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपने कौन सी मूवी देख ली है और कौन सी देखने वाले। और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हु आर यू एनएस को। गुड बाय।